वेलकम टू माय चैनल एसिंग रेसिपीज। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ हेल्दी टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिनका ध्यान रख करके हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मिल्क के साथ हमें कौन से फ्रूट्स हैं जो नहीं लेने चाहिए, कौन सी चीज़ जो हमें नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप मिल्क लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको मिल्क ही कंज्यूम करना चाहिए एक टाइम पे। मिल्क के साथ हमें दही नहीं लेना चाहिए। अगर आप दही लिया है थोड़ा गैप रखिए उसमें। ऑरेंज या कोई भी खट्टे जो फल होते हैं हमें मिल्क के साथ नहीं खाने चाहिए। इवन आप अगर बनाना शेक भी लेते हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम करता है डाइजेशन में। इवन कोई भी मेलन फ्रूट्स है तो वो भी हमें मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप मैंगो शेक बनाना चाह रहे हैं तो मैंगो भी जो है बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, मैंगो भी स्वीट होना चाहिए। अगर आपको मैंगो शेक की जगह आप कर्ड का यूज़ कर सकते हैं, मैंगो लस्सी पी सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आपको मिल्क के साथ कोई फ्रूट्स लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, तो आप खजूर ले सकते हैं, डेट्स इसे बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी नमकीन चीज़ जो होती है वो हमें नहीं लेनी चाहिए। नमक के साथ हमें मिल्क नहीं लेना चाहिए साथ में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए।